Alright guys, welcome back to my YouTube channel, Mr. Anish Valmiki. तो गाइस मैं आपका भाई अनिश लेके आ गया हूँ एक प्रैंक वीडियो, पहले से हटा दूँ। हाँ तो गाइस, तो पुराने वाले चैनल पे मैंने बोला था मैंने मैं प्रैंक वीडियो बनाऊँगा, बट बना नहीं पाया। आप समझो थोड़ा, मतलब मैं काम पड़ गया था मेरे को। तो गाइस अब मैं लेके आ गया हूँ प्रैंक वीडियो। मतलब मैंने अपना एक फेक चैनल, मतलब इंस्टाग्राम आईडी बनाई है लड़की के नाम से, निकिता करके नाम से बनाई है। तो आपको मैं फुल वीडियो दिखाऊंगा कि मतलब इस लड़के के संग चैटिंग वगैरह करूंगा, और बाद में उसे मैं खुद गाली दूंगा, और गाली देने के बाद उसे बुलाऊंगा अपनी जो सड़क है ना, जिधर मैं रैक्सी उड़ाता हूँ, मतलब अपने पालतू डॉगी को उधर बुलाऊँगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं गाइस, आप भी बोर हो रहे होंगे, तो चलते हैं जल्दी से अपनी वीडियो पर। पहले इंट्रो देखो। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं। मतलब पहले हाई मैंने भेजा, फिर इसने भेजा हेलो, फिर आप जाटब हो, इसने बोला हाँ जाटब हूँ। तो मैंने लिखा आप रहते हो, मतलब आप कहाँ रहते हो, तो उसने बोला आगरा। अच्छा, तो उसने बोला आप कौन सी क्लास में हो, उसने बोला टेंथ में। मैंने लिख के भेजा और आपने वीडियो कॉल क्यों किया, तो उसे शांत हो गया, मतलब मेरे पास जवाब नहीं लिख के भेजा। अब इसने भेजा गलती से लग गया था, तो मैंने लिख के भेजा मैंने झूठ मत बोलो। तो मतलब अगले बंदे को रत्ती भर पता नहीं चल पा रहा कि लड़का है लड़की है, गाइस इतना पागल लड़का है। मतलब तुम्हारा भाई भी किसी से कम नहीं है एक्टिंग बाजी में, और ये देख सकते हैं आप, आई डोंट नो क्या है। चलो देखते हैं अभी क्या लिख के भेजता है। जल्दी लिखना, बड़ा रेंगना है आप। कॉल मी तेरी माँ की आँख, क्या लिख के भेजता दिखते हैं। इतने इतने शब्द भी ना लिखने में निर देर देर कर रहा है साला, लड़की क्या पटाएगा। मैंने कहा झूठ नहीं गलती से लग गई, पागल है थोड़ा सा। अबे वो बात भाई ख़त्म भी हो गई, अब तो लिख के रहा कॉल मी, पक्का हल्के मिजाज का है, पागल है, कौन है तू। चलो ये वाली वीडियो खत्म हो गई, मैं दूसरे ट्रेन तेरी माँ की आँख। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, मैं ऐसे लिखा बहुत क्यूट हो, मेरे पास कॉल वगैरह किया है, मैं लिख के डायरेक्ट इसकी बहन का, तुम्हारा भाई तुम्हें पता ही है कितना आरामी है, तो मैं इसके पास लिख के भेज दिया। वह भोसड़ी के घर वाले से लेते हैं अभी, भोसड़ी के कॉल क्यों कर रहा, तो फिर समझ जाएगा कोई लड़का ही है। देखो मैंने इसे देखा नहीं था, मैं सोच भी रहा था एक घड़ी हुआ मैंने यार वो कर दे रहा हूँ, अनसेंड कर दे रहा हूँ, बट इसने फिर लास्ट में देख लिया, क्या चूतिया है तू। तो आप गाइस को देखो काम बनता है ना, फिर भी तुम्हारा गुस्सा बेकार होता है, मुझे आज पता चली। और देखो मैं लिखना तो इसकी माँ की गाली लिखने वाला था, बट गाइस भाई अपने मतलब दोस्तों को मैं भाई जैसा मानता हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो गाली तो मैं से लिखता अभी माँ की, बट मैं लिख दिया तेरी भोसड़ी के, और फिर लिख के है ने क्या चूतिया है तू गांडू। मैंने मतलब घर वालों को पर गाली नहीं थी, क्योंकि गाली तो देनी नहीं चाहिए ना। ऑफिस के बाद लिख के भैया मैंने कॉल क्यों कर रहा है, अब इसे पढ़ लेगा अभी, पढ़ने का इंतजार करेंगे गाइस, देखते हैं क्या लिखता है जल्दी से। अब मैं लिख रहा था कुछ, इतने मैंने सीन कर लिया, और मैं लिख के इसे सेंड करूँगा ये, अब ले 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 चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या। लौंडे के दिमाग की दही हो गई पास, अब जो कुछ बोलेगा क्या लिख रहा हूँ, ब्लॉक कर रही हूँ। ओ भाई मुझे अपने ऊपर खुद प्राउड हो रहा है, मैंने बहन जो कैसा मतलब दिमाग है मेरा। ओ अब जब पढ़ नहीं रहा मेरे को यार, लग रहा है कि अब इसने ब्लॉक कर दिया, नहीं ये सोच में बैठ गया क्या है, कौन है ये, क्या आफत है। तो अभी देखते हैं जल्दी सीन कर ले भाई, जल्दी कुछ लिख मेरे पास, मेरी ऑडियंस तरस रही है, तरस नहीं रही है, तरस नहीं बात देखने के लिए बैठी है। देखो
इतनी धूप में आया हूँ वीडियो बनाने, क्या कराने पर वो सीन कर लिया गया इसने, तो देखते हैं कुछ लिखना। पक्का गाइस ये सोच में बैठ गया, अब तो पहले मेरे को झूठ सा लग रहा था बट अब ये रियल में सोच में बैठ गया, कुछ लिखेगा तो सही गाइस, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐसा इसने ऑडियो भेजी है, अनसेंड कर ली। अच्छा गाली वगैरह भेजी होगी इसने तो उसके लिए अनसेंड कर ली होगी, क्योंकि इसे पता है ऐसा काम मतलब हम मतलब दोस्त वगैरह ही कर सकते हैं, तो देखते हैं जल्दी। अब बता दे कौन है इज्जत का भरता। अब भाई लिख तो लिया कर अच्छे तरीके से, अगर मेरी वीडियो देख रहा है ना तो तू साले लिखना सीख पहले, तो समझ रहा है मैं लिख रहा हूँ देख कितनी साफ राइटिंग में। अबे सामने से ही देख लियो, अरे हल्के में मत लियो बस अपने भाई को, अनीश भाई को कुछ ही साल रुक जा, अनीश की गैंग बन जाएगी यूट्यूबर यूट्यूब पे। मैं लिख रहा हूँ आ रहा हूँ, फिर लिख रहा हूँ मैं टेम्पू मिल गया। ओह भाई ओंगा सोती में लिख रहा था गाइस, ओंगा सोती में जस्ट। अच्छा देखो आप तुम्हारा भाई कैसे लिख रहा है, उस समय गाइस ध्यान नहीं दे पाया था, फिर पापा ने मतलब जब मैं सो गया था तो उसके बाद पापा ने उठा लिया और फिर मैं गया उसके पास मिलने से, इसी के पास लड़के के पास। क्या लिख रहा है, हाँ भाई नाम तो बता दे कौन है तू, वो इतनी फट रही है मतलब भाई बोल रहा है नाटी वसूड़ी वाले, तो अनसेंड कर दे देखते हैं क्या लिखता है। सीन करोगा अगला बंदा बट कुछ भेज नहीं रहा है। मैं तो नारे में हूँ तू आ बता दे, ऑलराइट बस आ गया भाई। ऑलराइट गाइस जैसे लड़के को हम परेशान कर लेते हैं ना, अब मैंने बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, ठीक तो मतलब फट गई है पूरी तरीके से, और अभी जाता हूँ मैं देखूँगा सर हमारी तरफ ही करूँगा, हमारी तरफ कहीं जाऊँगा देखूँगा क्या बोलता है, तो अपना ब्रैकेट देखते ज़्यादा भारी भी पड़ना चाहिए ना यार, हल्का देख लेंगे जो होगा देखा जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं राइट गाइस, जैसे लॉन्डे को चल गई है कि मतलब मैं इसे परेशान कर रहा था, मैंने बुलाया इसे इधर की तरफ इस एरिया में सुमसम एरिया में, और वहाँ आने वाला भी थोड़ी देर मुझे मतलब पता चल गया कि मैं आऊँ, अनीश अनीश बोलने लग गया, अरे अनीश तू है अनीश, कॉल वगैरह भी आ रहा है और पहचान तो गया लड़का, लेकिन नाम ले दिया उसने अबे अनीश ऐसे बोलने लग गया, तो अब देखते हैं वो आता है नहीं आता है, और मैं देख रहा हूँ उसे झुक्के वगैरह के कटेरियाँ वगैरह हैं इधर, तो शायद से आ जाए देखते हैं। राइट गाइस लेके आ रहे हैं अभी, देखते हैं गाइस आ रहे हैं, गाइस आ रहे हैं, आ रहे हैं गाइस लड़के आ रहे हैं अभी देखते हैं, और ये लड़के आ रहे हैं पार्टी करने, और ये देखते हैं तो वैसे देख सकते हैं आप, इधर की तरफ बुलाता हूँ सर खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तो वैसे ये लड़का था इस समय मजाक कर रहा था, रुक गया आएगा जल्दी आए। वैसे ये लड़का था और ये देखो ये दोस्त मेरे सबरे गैंग को लेकर आया था, इससे मजाक कर रहा था मैं, ये रहा जे जे गैंग मास्टर जे रहा। परेशान करा था, बुरा तो नहीं लगा नहीं, नहीं। तो गाइस इन भैया ने भांडा फोड़ दिया था, भैया चाचा है मेरे,